चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं और इसमें पहला क्वेश्चन है टॉयज एंड फेस्टिवल। आंसर देखते हैं। फेस्टिवल्स आर द ओकेशंस दैट कॉमेमोरेट हिस्ट्री। तो पहले सब मतलब समझते हैं। कॉमेमोरेट का मतलब होता है टू रिमेंबर समथिंग। यहाँ पे देख सकते हो क्या है, टू रिमेंबर समथिंग। तो फेस्टिवल में क्या होता है ना, फेस्टिवल एक ऐसा समय होता है, ओकेशन मतलब ऐसा समय जहाँ पे हर कोई एक साथ मिलता है और सेलिब्रेट करता है। तो फेस्टिवल ऐसा समय होता है जहाँ पे हर कोई साथ में आता है और उस फेस्टिवल की वजह से हमें हिस्ट्री याद आती है ना, हम हिस्ट्री को याद करते हैं। तो फेस्टिवल आर द ओकेशंस दैट कॉमेमोरेट हिस्ट्री। अब कॉमेमोरेट लग रहा होगा बहुत मुश्किल शब्द है, तो क्या लिख सकते हो, रिमेंबर, ठीक है, समथिंग, ठीक है। तो रिमेंबर समथिंग और समवन इन स्पेशल वे। तो फेस्टिवल में क्या होता है, फेस्टिवल ऐसा ओकेशन होता है जहाँ पे हमें किसकी याद आती है, क्या हमें समझ आता है, किसके बारे में पढ़ने को मिलता है, वो होता है हिस्ट्री के बारे में। फॉर एग्जांपल जैसे कि दिवाली है, तो उस समय पे दिवाली एक ऐसा ओकेशन है जहाँ पे हम अपने इतिहास को भी पढ़ते हैं, है ना, ठीक है। तो फेस्टिवल आर द ओकेशंस दैट कॉमेमोरेट हिस्ट्री एंड वी गेट अ ग्लिम्स ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर थ्रू टाइम। तो फेस्टिवल की वजह से हमें ग्लिम्स मिलता है। अब ग्लिम्स क्या होता है, जैसे कि मान लो एक मूवी आती है, तो मूवी आने के पहले उसका ट्रेलर आता है, तो ट्रेलर को हम कह सकते हैं कि एक पिक्चर का पूरा ग्लिम्स है। तो वैसे ही फेस्टिवल ग्लिम्स होता है हमारे इतिहास का और हमारे कल्चर का। जैसे कि होली होती है, तो होली में अपने इतिहास में देखते हैं कि यार होली हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो हमारे कल्चर में क्यों है, वो हमारे हिस्ट्री में क्या हुआ था, ठीक है। तो पहला पॉइंट समझ आया, तो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत फ्रेम कर लेना, ऐसा सेम टू सेम देखना शायद मुश्किल हो जाए, तो थोड़ा सा अलग कर लेना, ठीक है। अब मेन देखते हैं। टॉयज एंड फेस्टिवल्स आर इंटर रिलेटेड सिंस एंशिएंट टाइम्स। तो पुराने ज़माने से ही त्यौहार और खिलौने इंटर रिलेटेड मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं, देखो त्यौहार में क्या होता है ना कि हम खिलौने बनाते हैं, है ना। जैसे कि मान लो हम महाराष्ट्र में जहाँ भी देखो, यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है, रीड कर लेते हैं। एज पार्ट ऑफ दिवाली सेलिब्रेशन इन महाराष्ट्र मॉडल फोर्ट्स आर मेड डिस्प्लेइंग इमेजेस ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज हिज सोल्जर्स एंड एनिमल्स विच आर टॉयज। तो दिवाली सेलिब्रेशन के टाइम पे महाराष्ट्र में फोर्ट बनाया जाता है, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज का टॉय बनाया जाता है, सोल्जर्स बनाए जाते हैं, एनिमल्स बनाए जाते हैं। तो जब कोई छत्रपति शिवाजी महाराज का टॉय बना रहा है या फिर कोई एनिमल्स बना रहा है या कोई सोल्जर्स बता रहा है, फोर्ट बना रहा है, तो इससे क्या होता है ना, हमें अपने हिस्ट्री के बारे में मालूम पड़ती है। हालांकि ये पॉइंट अभी दोनों पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे टॉयज और फेस्टिवल्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि नाग पंचमी आती है, तो उसमें तुम टॉयज देखोगे स्नेक का, देखो ये लिखा हुआ है क्ले इमेजेस ऑफ स्नेक्स एंड बुलक्स आर सोल्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स लाइक बेलपोड़ा एंड नाग पंचमी। तो नाग पंचमी के टाइम पे कौन से तुम्हें वो देखने को मिलेंगे, टॉयज देखने को मिलेगा स्नेक, और बैल पोड़ा के टाइम पे तुम्हें बुलक्स देखने को मिलेंगे। बैल मतलब जैसे इंग्लिश में जैसे बुलक कहते हैं, हिंदी में उसे बैल कहते हैं ना, तो महाराष्ट्र में सेलिब्रेट करते हैं, एक त्यौहार है। तो समझ आ रहा है कि टॉयज और फेस्टिवल जो है वो क्या होता है, इंटर रिलेटेड होता है, वो पुराने ज़माने से ही है। और उसके दो एग्जाम्पल हमने देख लिया, कौन से एग्जाम्पल देखे, एक हमने देखा दिवाली सेलिब्रेशन के टाइम पे छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके सोल्जर्स, एनिमल्स और इन सब के टॉयज बनाए जाते हैं। फिर हमने देखा कि नाग पंचमी हो गई या फिर बैल पोला हो गया, इस टाइम पे स्नेक्स और बुलक्स बनाए जाते हैं, है ना, क्ले इमेजेस उनके बना, क्ले से बनाया जाता है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है, आगे देखते हैं। टॉयज आर यूज्ड एज सिंबल्स एंड मॉडल्स टू कीप द हिस्ट्री ऑफ ईच फेस्टिवल्स अलाइव इन द माइंड ऑफ पीपल एज वेल एज चिल्ड्रन। तो भाई खिलौने से ना हमारे दिमाग में हमारा जो इतिहास है वो जिंदा रहता है, है ना। जैसे ही तुम खिलौना देखते हो, फिर तुम्हें समझ आता है कि यार हमारा इतिहास क्या था, हम वापस अपना इतिहास को पढ़ते हैं। तो टॉयज आर यूज्ड एज सिंबल्स एंड मॉडल्स टू कीप हिस्ट्री ऑफ ईच फेस्टिवल अलाइव। तो हर त्यौहार के इतिहास को जिंदा कौन रखता है, टॉयज रखते हैं, ठीक है। फिर टॉयज आर यूज फॉर डेकोरेशन इन डिफरेंट कल्चर एंड रिलीजन ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। तो भाई टॉयज कई बार डेकोरेशन की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। इन सम कल्चर टॉयज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज गिफ्ट। तो कुछ कल्चर्स में टॉयज को ऐसे गिफ्ट भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंटा क्लॉज गिफ्ट्स चिल्ड्रन टॉयज ड्यूरिंग क्रिसमस। तो भाई क्रिसमस के टाइम पर सेंटा क्लॉज क्या गिफ्ट देते हैं बच्चे लोग को, टॉयज गिफ्ट देते हैं। तो बेसिक आंसर में क्या लिखोगे, है ना, मेरे हिसाब से ना एक बार आंसर्स खुद के मन से भी सोचा करो कि क्या लिखोगे टॉयज एंड फेस्टिवल में। एक पॉइंट तो ये है कि टॉयज फेस्टिवल जो है
फेस्टिवल एक ऐसा ओकेशन होता है जिससे हमें अपने इतिहास याद आता है, पहला पॉइंट। तो क्या लिख सकते हो, फेस्टिवल्स आर द ओकेशन थ्रू विच वी रिमेंबर आर हिस्ट्री एंड आर कल्चर। देखो यहाँ पे वो पूरा पॉइंट अलग है, अपन ने अलग बना लिया। सेकेंड पॉइंट, टॉयज़ एंड फेस्टिवल्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। जो टॉयज़ और फेस्टिवल है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं, आप एग्जाम्पल दे देना। फॉर एग्जाम्पल, इन महाराष्ट्र ड्यूरिंग दिवाली सेलिब्रेशन मॉडल फोर्ट्स आर मेड डिस्प्लेइंग इमेज ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, हिज सोल्जर्स एंड एनिमल्स विच आर मेड अप ऑफ टॉयज। फिर ड्यूरिंग नागपंचमी क्ले इमेजेस ऑफ स्नेक इज देयर एंड ऑल्सो बुलक्स ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ बेल पोला। तो यहाँ तक आंसर बन जाएगा। उसके बाद में और क्या लिख सकते हो, कि टॉयज डेकोरेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। और एक लास्ट में लिख देना कि इवन सेंटा क्लॉज बच्चों को गिफ्ट क्या देते हैं, टॉयज गिफ्ट में देते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि तुम यही पूरा ही सीक्वेंस फॉलो करो तभी मार्क्स मिलेगा। तुम्हारे दिमाग में ये आंसर सुनने के बाद क्लियर जाना चाहिए कि यार टॉयज एंड फेस्टिवल आर इंटर रिलेटेड। हाउ दे आर इंटर रिलेटेड, दो एग्जांपल दे दिया तुमने, एक दिवाली का, एक नागपंचमी का तुमने एग्जांपल दे दिया। फिर बोल दिया कुछ जगह ये ऐसा डेकोरेशन भी यूज़ होता है और कुछ जगह ऐसे ऐसा गिफ्ट भी यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेंटा क्लॉज गिफ्ट करते हैं। आई होप अब यह आंसर आपको पूरा समझ आ गया होगा। एक बार रीड करना, अपने हिसाब से एक फ्रेम करना और लिखने की कोशिश करना, हो जाएगा ये आंसर।